हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम करने वाले हैं फिर से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। गाइज, ये जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी ज्योतिष साइंस सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दें। जो भी अलग हैं हस्बैंड वाइफ, उन्हें हमेशा के लिए एक कर दें। जो भी सिंगल्स हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी करवा दें। जो भी बीमार हैं ऊपर वाला, उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दें। सबकी लाइफ से नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाए। आप लोग को हमेशा खुश रहना है, नेगेटिव कभी नहीं होना। जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस करें। ओके, जल्दी से आपके पार्टनर आके आपको कॉल मैसेज करें, बात कर लें। जो भी नेगेटिविटी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से सब खत्म हो जाए, ठीक है। जिनके पास जॉब नहीं, ऊपर वाला उन्हें अच्छी जॉब दे। और जो जॉब में हैं उनके, उनको प्रमोशन मिले, उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए। चलिए, हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, पूरी तैयारी है आपके पास आने की। कोई तो ऐसा पर्सन है जिससे आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं या ऑनलाइन आपको पसंद आया है कोई पर्सन, कुछ तो है ऐसा। या तो आपको वो पर्सन ऑफर करने की सोच रहा है या फिर आप उसे ऑफर करने की सोच रहे हैं। पता नहीं एनर्जीज क्यों आई है, लेकिन ठीक है। फूल फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। ओके, द एम्परर, बहुत ज्यादा कार्ड चंगाई से। ओके, वाह, एट ऑफ वांड्स, कॉल मैसेज पे बात हो सकती है। बहुत जल्दी कॉल मैसेज जरूर आएगा आपके पार्टनर का आपके पास।
थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर का दिल टूटा है, कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर का दिल टूटा है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, समझ गए आप लोग? ये आपके पार्टनर के लिए तो थोड़ा सा गलत है, लेकिन आपके लिए, आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उन्हें वो मिला है जो उन्होंने आपके साथ किया था। आपके साथ झगड़ा किया, आपके साथ दूरियां बनाई। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, या आप लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, आपको शादी तक का प्रॉमिस किया और इस रिश्ते को मजबूती दी, शादी भी किया आपसे। और आखिरी में आके जब आपको इस रिश्ते पे भरोसा होने लगा, आपको इस रिश्ते में आकर सुकून मिलने लगा, खुशी मिलने लगी, तो उन्होंने अचानक से आपसे दूरियां बना ली। आपके साथ कुछ के साथ तो ऐसा भी हो सकता है, बहाने बना के आपके पार्टनर दूर हो गए। और अब इस टाइम पर आपके पार्टनर ने जिस भी सिचुएशन की वजह से आपको तकलीफ दी थी, ऊपर वाले ने वही सेम चीज़ उनके साथ की है। उनका वो रिश्ता टूटा है, वो उन रिश्तों से दूर हुए हैं जिन रिश्तों की वजह से उन्होंने, जिस लालच की वजह से आपसे दूरियां बनाई थी, आपको तकलीफ दी थी, आपका दिल तोड़ दिया था, वही सब अब उनके साथ हो रहा है कि वही रिश्ते उनका दिल तोड़ रहे हैं। वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी वजह से उन्होंने आपको दिल दुखाया था, आपको तकलीफ दी थी, उसी पर्सन ने उनका दिल दुखाया है, उनको तकलीफ दी है। रात को आपके पार्टनर रोए हैं, वो सो भी नहीं सके हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, कुछ को सुन के अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया वो उन्होंने पाया। जो जो हम मदर यूनिवर्स में भेजते हैं वही हमें रिसीव ज़रूर होता है। इसको कर्मा बोलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा गाइस, मुझे आज ना आप लोगों से एक बात और करनी है। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो, अगर जो लोग ये बात नहीं सुनना चाहें ना गाइस, वो लोग मतलब इतने वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बात ये है कि आप लोग होते हैं परेशान अपने रिलेशनशिप को लेके ख़ास तौर से, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप लोग परेशान होते हैं। तो मुझे आप लोग को ये बताना था कि, पता नहीं बताना सही है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है मुझे आप लोग को अवेयर करना चाहिए। किसी भी तांत्रिक, किसी भी ओझा, किसी भी पर्सन के पास जाना आप लोगों के लिए ये पूरी तरह से आपका डिसीज़न होगा, ठीक है? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ। जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, प्लीज़ ना सुनना। लेकिन जो लोग इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं या बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए हैं, ओके? कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा आपसे बहुत सारे पैसे मांगता है, मत दीजिएगा। छोटे मोटे पैसे जो होते हैं वो भी मत दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन आपका काम लॉयल्टी से कर दे, इसकी आपकी गारंटी नहीं होती। जितनी आपको लगता है कि भाई देना है, आप दे सकते हैं पूरी तरह आपकी लाइफ, लेकिन मैं कभी आपको ये बात नहीं कहूँगी। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वीडियोज़ देख कर, जिनकी सोशल मीडिया पर आप ढूंढ लेते हैं या गूगल पर ढूंढ कर उनको पैसे दे देते हैं। पैसे दे दें तो चलो, पैसे आप लोग फिर कमा लेंगे। ऊपर वाला अगर आपको और दे, वो खर्च कर सकते हो, क्योंकि वो आपका पैसा है। मैं वो नहीं कहूँगी आपको कि आप दो या मत दो, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगी कि नहीं देना है, जो लोग मेरी बात मानते हैं, समझते हैं। फर्स्ट, सेकंड चीज़ ये है कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे लोगों की मेल्स चेक किए, कि मुझे तो एक किसी ने बताया कि मैम हमने अपने रिलेशनशिप के, अब मैं ये जेंडर नहीं बताऊँगी, मुझे मेल किसने किया, हमें किसी ने मेल की थी, उस पर्सन ने क्या किया, मुझे बोला इतने इतने मीटर वायर ला के दो। भाई आपका ये सब काम से आपका वायर का क्या मतलब? मतलब उस पर्सन ने बड़े पैसे अरेंज किए, पैसे आज मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि सुनना है, समझना है इस चीज़ को ऊपर काम करना है आप लोगों को, ठीक है? इन सब चीज़ों से वायर का क्या मतलब कि नहीं मैं तुम्हारे यहाँ से उसको कनेक्ट करूँगा? अरे तो वायर से कनेक्ट करना है भाई तुमको, क्या हो गया है? उस पर्सन ने बड़ा अरेंज करके जितने, पता नहीं कितने मीटर उससे डोरी मंगवाई, वो जो वायर होते हैं हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं, वो अच्छे खासे अमाउंट उससे पैसे ले लिया, वायर मंगवा लिया, उसके घर का अपना राशन मंगवा लिया, क्या हुआ इससे? कुछ भी नहीं, बड़ी फ़नी सी चीज़ है। दूसरा ये कि मैं एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आपको नहीं बताऊँगी। जो भी ये वीडियोज़ देखें, जितना भी देखें, आपको किसी को बताना है, आप ये बात शेयर भी कर सकते हैं।
किसी चैनल पे जाके दे दिया, उन बड़े बड़े ज़्यादा फॉलोवर्स और उनको जाके पैसे वैसे दिए। अच्छा पैसे दिए, पहले बात करने के पैसे दिए। अब ये पैसे जब दे दिए तो सामने वाले को आपको कुछ बताना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उसने उसको जाके वो चीज़ बता दी कि आप ये चीज़ें करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगेन उसने कॉल किया कि आपने मुझे कुछ बताया नहीं, तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम शांत रहो। मतलब शांत तो मेरा वर्ड है, मतलब मैंने उसको बोला, और पता नहीं उसको उससे सिर्फ बात करने के उसने 2-3-5 हज़ार रुपये ले लिया। अब तुम 600 रुपीज़ दो, अब मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ, उन तक पहुँचने के लिए आपको 600 रुपये हमारे इस अकाउंट में डालने पड़ेंगे। सामने वाले ने 600 रुपये डाल दिए, फिर उससे मांगे कि 2100 रुपीज़ उसने वो भी डाली। सिर्फ बात करने के उन्होंने 5 हज़ार रुपये ले लिए। उस बच्चे को या उस बच्ची को कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे उसका काम हो सके। एक और मेल आया मेरे पास, उसने उसकी न्यूड फोटोग्राफ्स मांगे। भाई तुमको न्यूड फोटोग्राफ का क्या करना है, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सामने की चीज़ से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ भी आपके साथ बदतमीजी हो सकती है। किसी को अपना आप जा रहे हैं किसी तांत्रिक ओझा के पास, बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको काम करवाना है, आप अपने किसी घर के बुजुर्ग को भेज के वहाँ काम करवा सकते हैं। प्लीज़, पता नहीं मैं क्या बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों में मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं किए, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट नहीं था मेरी सिटी में, 2 दिन के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। तो मेरे पास इतने मेल्स आए कि मैम हमें आपसे बात करनी है, और उन्होंने अपनी ये सिचुएशन बताई कि वो इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं। गाइस मुझे नहीं पता आप लोग बिलीव करेंगे या नहीं, जिसको भी ये बिलीव करें, जिसको भी बिलीव होता है इन सब बातों में, ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने मन को शांत रखना है। ऊपर वाले ने जो चीज़ें कर दी हैं, हम लोग हैं, जितना हम लोग हेल्प कर सकते कर देंगे। ये सब चीज़ें कीजिए, कहीं पे किसी के साथ मिलने की लोग आपको ऑफर कर देंगे फिजिकल होने का। अरे भाई इन सब चीज़ों से किसी तुम्हारे पास कोई हेल्प लेने आ रहा है, तुम किसी को फिजिकल होने के लिए कैसे बोल सकते हो? लड़कियों के साथ फिजिकल होने के लिए बोलते हैं, न्यूड फोटोग्राफ्स मांगेंगे, लड़कों से बहुत सारे पैसे मांग लेंगे, उनको कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप उनकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे, पैसे भी देंगे, अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स भी दे डालेंगे, फिजिकल भी हो जाएंगे। अवेयर कर रही हूँ, मान जाना, समझ जाना इस बात को। अभी मैं गुस्से में बोल रही हूँ, मैं प्यार से नहीं बोल रही हूँ, मैं हमेशा आप लोग को प्यार से समझाती हूँ, तो ये चीज़ें मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा अवेयर मैं आप लोग को नहीं कर सकती, ठीक है? क्योंकि नहीं करना बाबा, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, फिर मेरे पास मत आना कि मैम हम फंस चुके हैं करके। ये सभी लोग सुन रहे हैं जिन्होंने मेल्स किया है, उनको हेल्प कर सकते हैं जितना कर दूंगी, लेकिन आगे कोई ऐसी हरकत करके मुझे मेल मत करना कि मैम हम यहाँ फंस चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं। न्यूड फोटोग्राफ्स का कोई मतलब नहीं होता, किसी वायर का, किसी पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। उसकी फीस बनती है थोड़ी बहुत, आप उसको दे के अपना काम करवाने के लिए बोल सकते हैं। कोई इतने ज़्यादा पैसे मांगे मत देना, कभी मत देना, मना कर रही हूँ। अपनी मेहनत की कमाई होती है, मेहनत के पैसे होते हैं, ऐसे फालतू में बर्बाद कर दो कि इससे अच्छा खुद मेडिटेशन करो, खुद सेल्फ लव करो, हो जाएगा। मैंने बहुत बकबक कर दी है, हाँ पता नहीं कितने लोग मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, पता नहीं मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी भी या नहीं। है मैं थोड़ी देर इसको करके, वीडियो को मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं शायद इसको प्राइवेट कर दूंगी, लेकिन जब तक मैं प्राइवेट नहीं करती हूँ, लोग सुनेंगे इस वीडियो को, सबक मिल जाएगा, ले लेना, बहुत गलत होता है, मत करना ऐसी चीज़ें। मैंने अभी 333 देखा है, अवेयर हो जाओ, द सन की एनर्जी है। और गाइज देखो सॉरी मैं तुमको अवेयर कर दिया सबको, अभी तुम लोग की मर्जी है, जो तुमको करना है कर सकते हो, मैं कहीं हेल्प नहीं करूंगी इन सब चीज़ों में फंस गए तो, ठीक है? 10 सन की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं नई, पॉजिटिव होकर। देखो कितने पॉजिटिव कार्ड निकले थे, और मैं कहाँ पहुँच गई मुझे नहीं पता मैंने क्यों बताया, लेकिन जब मैंने मेल्स पढ़ी है ना गाइस, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे समझाऊँ। मत करना कुछ पागलपन की हरकतें, सॉरी। हाँ मैं डांट सकती हूँ वैसे आप लोग को, हाँ आप लोग मेरे व्यूअर्स है, आप लोग मतलब मेरा चैनल देखते हैं, तो खाली मैं आपको सिर्फ इंटरटेन नहीं कर सकती हूँ, मैं आप लोग को गाइड कर सकती हूँ, मैं आप लोग को डांट सकती हूँ, मैं आप लोग को समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जहाँ पे आप अपने दिल की बात आके मुझे मेल करते हैं या मुझे कमेंट में करके बताते हैं। तो खाली मैं आपको सिर्फ ये सब चीज़ें करके नहीं बता सकती, सिर्फ रीडिंग करके मैं पीछे हट गई हूँ। मैं जितना गाइडेंस होगी, जितना गुस्सा कर सकूँगी करूँगी, क्योंकि आप लोग एक ट्रस्ट के साथ मेरे पास आते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, मैं खाली सिर्फ ये सब चीज़ें करके नहीं कर सकती, सॉरी। और जिनको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, मेरी बकबक से प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप लोग पता नहीं, फिर भी ये बात तो मान लेना मेरे कि किसी के पास नहीं जाना है। आपके पार्टनर फिलहाल आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो छोड़ के चले गए थे आपको,
तो यहाँ पे मैं आपके पार्टनर में एक नयापन देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि जो पिछली चीज़ें हो गई उसको कुछ रिपीट नहीं करना है, ना आप करेंगे आने वाले टाइम में, ना आपके पार्टनर करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। और आज मैंने गुस्सा कर लिया आप लोगों पे, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन बच्चा आप लोग को इतना परेशान होते हो ना आप लोग कि मैं समझ जाओ, मैं आपको सिर्फ ये रीडिंग देना ही मेरा मकसद नहीं होता है। मैं आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच हूँ। जब मुझे इसी रीडिंग में कुछ तकलीफ़ वाली चीज़ दिखती है ना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, जैसे मैं अभी हो रही हूँ। इसलिए मैं प्लीज़ आप लोग को थोड़ा समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। मैंने कह तो दिया कि मैं हेल्प नहीं करूँगी, लेकिन मैं हमेशा हूँ। लेकिन कभी मुझे कुछ हो गया और मैं दुनिया में नहीं रही तो फिर आप लोग क्या करोगे? तब तक के लिए बस समझ जाओ अच्छे से। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स हैं, उसका मतलब है कि आपके पार्टनर शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपकी तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो इस रिश्ते पे अब काम करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आपके पार्टनर नई शुरुआत भी कर रहे हैं, आप लोग किसी ऐसे पर्सन को पसंद करने लगे हैं, ऐसे पर्सन से डील करने लगे हैं जो कि आप जिससे ऑनलाइन मिले थे, ऑनलाइन डेटिंग आप लोगों ने की, काफ़ी अच्छे से प्रॉमिसेस हुए हैं आपके बीच में और आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है अगर उन्होंने आपको इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर ब्लॉक कर दिया था तो एक बार आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे। देखो फिर मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ, किसी भी अननोन पर्सन से मिलने जाने से पहले आप लोग को उसके बारे में पता करना है बच्चा, फिर उसके बाद में आपको उससे पब्लिक प्लेस में मिलना है। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी। आप लोग जब तक अवेयर नहीं रहेंगे बच्चा, गड़बड़ हो सकती है आपके लाइफ के साथ, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग परेशान हैं अपने रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर नहीं है, कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा तो ठीक है, ध्यान रखना। आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन आप किसी कैफ़े में मिलेंगे, किसी भी ऐसी जगह पर मिलेंगे जो पब्लिक प्लेस हो, ठीक है। वो आपको ऑफर करना है कहीं चलने की, कहीं जाने की, आप नहीं जाएंगे, 1, 2, 3, 10 मीटिंग में भी नहीं, जब आपको लगे कि उस पर्सन ने आपके साथ, देखो जो पर्सन लॉयल होगा वो आपके घर पे बात ज़रूर करेगा। ये ऑनलाइन वाली बात आई है ना, इस पर भी मैं किसी दिन पक्का वाला लेक्चर देने वाली हूँ आपको। ऑनलाइन वाली चीज़ है, आप आंखें मूंद कर किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। उसने आज ब्लॉक कर दिया है आपको, कल आपका फ़ायदा उठा के फिर अगर वो पर्सन छोड़कर चला गया तो आप क्या करेंगे? आज की रीडिंग में आपके पार्टनर को सबक मिला है, मैं आपको तकलीफ़ से बचा रही हूँ कहीं ना कहीं। आप जिससे भी ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, आप लोग को सोच समझ के मिलना है, पब्लिक प्लेस में मिलना है। आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके बुला सकते हैं मिलने के लिए। आप दोनों का रीयूनियन भी मुझे होते हुए, देखो जो मैरिड है उनका तो ठीक है, आप लोग का रीयूनियन हो जाएगा, जो सिंगल है बच्चा आप सब समझ जाइएगा, ठीक है। आपके पार्टनर वर्क करेंगे, मैं आंखें मूंद के किसी पे भी भरोसा करने के लिए आपको कभी नहीं कह सकती हूँ, ओके। यहाँ पे आपके पार्टनर जब मिलेंगे आपको ऑफर करेंगे, ऑफर क्या हो सकता है? आपको वापस शादी का, इंगेजमेंट का, आपको वापस डेट करने का, नए से शुरुआत करने का, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके पार्टनर की, ठीक है गाइस। लेकिन उसके उस पार्टनर के अंदर क्या नेगेटिविटी है ये आपको उससे पता चलेगा जब आप उससे मिलेंगे, क्योंकि वो मिलने भी बुलाएंगे, आपको ऑफर भी करेंगे, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलेंगे और आपके साथ बात करेंगे, होगा सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन अवेयर करना। जैसे हमारी मम्मा लोग नहीं होती, हम अच्छा भी कुछ खा रहे होते हैं तो उसमें भी वो बोल देती हैं बेटा देखो ज़्यादा मत खाना, तबीयत नहीं ख़राब हो जाए। वैसे मैं आप लोग को समझा रही हूँ, मिलने जाना, बातचीत करना अच्छे से, झगड़ा मत करना, अनब्लॉक हो जाए तो कुछ क्वेश्चन मत करना, अच्छे से उनके साथ बिहेव करना, वो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, आपके पार्टनर अगर आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हो गए थे और उन्होंने उन्हें ये लगता था आपके पार्टनर को कि उन्हें आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा जो कि इजी नहीं है समाज को, सोसाइटी को लेकर, लेकिन फिर भी वो आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मिलेंगे। अगर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है फिर भी वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ इस रिश्ते में शुरुआत करेंगे। ये हो गया है आपके पार्टनर की एनर्जी तक का। अब उनकी लाइफ में देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे जिस रिश्ते की वजह से बहुत सारे रीजंस होते हैं गाइस दो लोगों के अलग होने के, अगर फैमिली इशू था तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए उनके पार्टनर, आपके पार्टनर की फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं, उनके झगड़े हो रहे हैं इस रिश्ते को लेके, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपके पास आना भी चाहते हैं। अब आप कहोगे मैम आपने दो बातें कही हैं कि हम ट्रस्ट भी नहीं करें। हाँ, आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने आपको अवेयर होने की वजह से ये समझाया है कि बाबा आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी जगह पे नहीं पहुँच जाएँ कहीं कि आपको लगे कि मैं डेट पे भी गई या गया और उसने मेरे साथ किसी ट्रैप में मैं फंस गया। ये अवेयर करने की वजह से आपको बताया।
अब आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे मिलेंगे भी पार्टनर, आपके आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल उनका उनके घर में झगड़ा चल रहा है। वो भी क्यों चल रहा है? क्योंकि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपने आपके पार्टनर ने आपको अलग कर दिया था अपने आप से, तो उस पर्सन से आपके पार्टनर का झगड़ा हो रहा है। जो रीज़न था आप दोनों के अलग होने का, उस रीज़न से झगड़ा हो रहा है, उस रीज़न के साथ आपके पार्टनर का, उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर का टावर मोमेंट आएगा, क्योंकि झगड़ा हो तो टावर मोमेंट आएगा। आपके तो टावर मोमेंट चल ही रहा है अभी लाइफ में, ठीक है, आपकी या तो किसी के साथ भी नहीं है, आपके पार्टनर के साथ भी बातचीत नहीं हो रही है, ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का उस पर्सन के साथ झगड़ा होगा, उस पर्सन के साथ टावर मोमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होगा, उनके कंट्रोल में नहीं आएंगी जब चीज़ें, क्योंकि आपके पार्टनर जो है अपनी बात चलाना जानते हैं। वैसे वो अच्छे हो सकते हैं आप, क्योंकि या तो आपके वो हस्बैंड वाइफ होंगे या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगी, वैसे वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ उनका जब ईगो हर्ट होगा ना, उनको आप याद आएंगे। जब आप याद आएंगे तो वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे कॉल मैसेज में बात करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, आपके साथ शुरुआत करने की बात करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव हो जाएंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और फिर वो आपको बताएंगे कि उनका दिल टूटा है। वो आपको सॉरी करेंगे, आपको सॉरी करके ये बताएंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई थी, क्यों वो दूर चले गए थे। तो वहाँ आपको संभलना है, आपको हिम्मत से काम लेना है कि अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगे, लेकिन मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारे हैं, तो वो लोग ये समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर का दिल टूटा है, तो आप उन्हें संभाल सकते हैं। वो क्यों आएंगे गाइज आपके पास? क्योंकि आप उन्हें हील करते हैं, आप उन्हें पॉजिटिविटी देते हैं, इसलिए वो इसी पॉजिटिविटी के कारण आपके पास आएंगे कि उनका जब दिल टूटा है, उनका झगड़े हुए हैं सारी चीज़ें, तो वो कॉल मैसेज करके हो सकता है रोएं, आपको अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपको अपनी सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। इसलिए तो उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उनको कर्मास तो मिलेंगे ना गाइस। आज मेरी रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है, जिनको वो मेरा लेक्चर नहीं सुना है वो स्किप कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर को आपके कर्मास मिल चुके हैं और या फिर आने वाले टाइम में मिल जाएंगे आपके पास। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत जल्दी आएगा। तो हमेशा बाबा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है, रोना नहीं है, अपने आप को संभालना है। मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, परेशान नहीं होना, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। रीडिंग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमेशा खुश रहना। बाय बाय, टेक केयर।